मैं इस क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र बनाऊंगा कि विश्व की वैश्विक मानपटल पे भारत नहीं विश्व के मानचित्र पे शिवर को लोग देखने आएंगे, जगत देखने को आएगा सन्यासी का राज कि यहाँ पे कैसा क्षेत्र है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो खासकर जो खिलाड़ी हैं जो युवा हैं उनके लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? समस्त क्षेत्रवासियों को जनता जनार्दन विशेषकर खिलाड़ियों को मैं यह आश्वासन देता हूं कि शिवहर क्षेत्र में शिवहर जिला के अंदर मैं ऐसा स्टेडियम बनाऊंगा जिसमें शिवहर ही नहीं अपितु बिहार के भी खिलाड़ी वहां पर आकर खेलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि पूर्ण भविष्य में भी अगर किसी प्रकार की आपको कोई आवश्यकता होगा उसके लिए योगी अखिलेश्वर दास 24 आवर्स 24 घंटे आप सभी के लिए सेवा के लिए हाजिर है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिवहर लोकसभा के भावी प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर दास जी। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त जो इनके बाएं तरफ एक खिलाड़ी बैठे हुए हैं चितरंजन कुमार, जो कि कराटे के नेशनल राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है। हमने आपको पिछले एक सप्ताह पहले भी एक वीडियो दिखाया था कि लगातार दर्द की ठोकर खा रहे थे। जनप्रतिनिधि से लेकर यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं पिछले कई वर्षों से लगातार उनके दरवाजे से लेकर उनके ऑफिस से लेकर चेंबर से लेकर कई जगहों पे इन्होंने जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ इनको निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन एक बार हमारे खबरों का फिर असर हुआ है और शिवहर लोकसभा के भावी प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर दास जी ने इनके प्रतिभा को पहचाना है और अपने सौजन से इस वक्त आप कैमरे की नज़र में देख सकते हैं कि कराटा का जो किट्स होता है अपने सौजन से आज इनको वितरण करेंगे। आज हम योगी जी से जाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह इनको निराशा हाथ लगी थी, एक इनके लिए एक उम्मीद की किरण कही जा सकती है, साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। योगी जी से ही हम जुबानी जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुद्दे पे इनका क्या कुछ कहना है, जिस तरह से लगातार इनको निराशा ही निराशा हाथ लग रही थी। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगी जी, जिस तरह से लगातार ये जो आपके बगल में बैठे हैं चितरंजन कुमार जी, यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी है या यहाँ के जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है, एक वर्ष से ही लगातार उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन सिर्फ इनको निराशा ही हाथ लग रही थी। कोई ऐसे जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ रहे थे इनकी सहायता की जाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि अभी इनकी हिम्मत टूट जाएगी और खेलना भी बंद कर देंगे, लेकिन ऐसे समय में आपके पास मैसेज पहुँचा, एक कॉल पर ही आपने इनको एक जबान दिया और आप इनको सहयोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जिस दिन ये न्यूज़ छपा हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक मेरे ही लोकसभा क्षेत्र के ढाका प्रखंड के और ढाका विधानसभा के अंदर में परसा ग्राम आता, जहाँ पे चितरंजन जी जो एक नेशनल चैंपियन से नेशनल खिलाड़ी है, जो राज्य स्तरीय इनका चयन हुआ है, लेकिन इनके पास प्रैक्टिस करने के लिए जो किट होता है नेशनल वह नहीं था। मैंने यह भी देखा इनके सोशल मीडिया के जो फेसबुक के माध्यम से इन्होंने लिखा कि मैं 1-2 रुपया 3 रुपया लोगों से मांग लूँगा, काम कर लूँगा, मैं काम करके मैं करूँगा लेकिन अब खेलूँगा नहीं, क्योंकि आर्थिक स्थिति इनका उसके योग्य नहीं था कि वह खरीद सके और खरीद कर प्रैक्टिस कर सकें। साधना होती है और साधन की आवश्यकता होती है। साधन के सिवा जब मुझे कहीं जाना है तो अगर हम गाड़ी पर जाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे और पैदल जाएंगे तो टाइम लगता है, तो इनको प्रैक्टिस करने के लिए किट की आवश्यकता था। इन्होंने मुझे इनको किसी प्रकार से नंबर मिला और नंबर लेकर रात्रि 11:30 इन्होंने मुझे कॉल किया और कॉल पहले मैसेज किए कि बाबा जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं बोला बिल्कुल ओके, और बात करने के बाद फिर मैं इनसे खुद ही मैंने कॉल बैक किया, पूछा आपका प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों इतना परेशान है, आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, आप तो खिलाड़ी है और यह आपको मैं बताना चाहता हूँ, भारत एक ऐसा देश जहाँ पे 60% युवा है, आदरणीय प्रधानमंत्री का जो हर एक जगह स्कीम चलता है खेलो इंडिया, तो मैंने विचार किया इस देश के जो नायक है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक जो सिस्टम है कि जितने भी खिलाड़ी उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और यहाँ पे जो लोकल लीडर से मैंने पेपर में पढ़ा कि लोकल विधायक भी है, सांसद भी है, काफ़ी लोगों के पास चितरंजन जी गए थे लेकिन कहीं से भी इनको आशा की किरण नहीं दिखा, आशा का उम्मीद नहीं रहा। अंततोगत्वा इन्होंने मुझे फ़ोन से पूरा बातें को बताया और मैं आप सभी बातों को सुनने के बाद मैंने इनसे कभी देखा भी नहीं और मैंने कभी इनका नाम सुना ही नहीं, सिर्फ पेपर के माध्यम से न्यूज और सोशल मीडिया के नाम से आपके न्यूज चैनलों के माध्यम से मैंने देखा कि एक ऐसा ऐसा बालक है और जिसको आवश्यकता है और वह कुछ कर सकता है, वह संघर्षशील है, वो कुछ करना चाहता है और ये बालक के अंदर में वह है कि यह राष्ट्र के लिए या राज्य के लिए कुछ कर सके, तो मुझे लगा इसके लिए मदद करना चाहिए और तुरंत मैंने बोला कि मैं आप 21 तारीख को मेरा 20 तारीख को ऑफिस का 21 तारीख को उद्घाटन है, आप उस ऑफिस में आइए और आपका
पूर्ण ध्यान रखा जाएगा, पूर्ण सम्मान किया। उस दिन मैंने इनको शब्द दिया, बुक किया और आज यह सामान आया है और आपके समक्ष आज यह जो किट है इनको आज मैं अर्पण कर रहा हूँ। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्ण भविष्य में भी अगर किसी प्रकार के आपको कोई आवश्यकता होगा उसके लिए योगी अखिलेश्वर दास 24 आवर्स 24 घंटे आप सभी के लिए सेवा के लिए हाजिर है। और मैं यहाँ सेवा करने के लिए, एक समाज सेवा करने के लिए मैं इस क्षेत्र में आ रहा हूँ। मैं हर एक जगह क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों का काफ़ी दुख दर्द है। कल हम लोग दोस्तिया में गए तो वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को हैंडपम्प नहीं है। वो कल उससे वहाँ पे मेरा कल का भी काम शुरू हो रहा है। तो जो भी सेवा आता है, जो भी जिसका ये प्रॉब्लम है, जहाँ तक होता है, मैं उस परिस्थिति को समझ कर मैं उस समस्या का निवारण करने की कोशिश करता हूँ। उसी क्रम में आज आपके सामने चित्रंजन जी है, जो दर दर भटकने के बाद जब मुझे मालूम चला कि एक प्रोत्साहन, एक युवा खिलाड़ी है जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए कर सकता है और उसे जागृत किया जाए, क्योंकि यह देश एक ऐसा देश है जहाँ पे 60 से 65% युवा है। और जब ये युवा कुछ करना चाहता है तो हम सभी जनप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता, जो भी ईश्वर ने जिसको दिया है, ऐसे लोगों को समर्पण करना चाहिए और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए और इनको आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। यहाँ के जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है, आखिर खेल के प्रति इतना पीछे क्यों है? आप तो भावी प्रत्याशी, फिर आप इनको एक अपने आप से सहयोग किया, इनका हौसला बढ़ाया, इसमें क्या कुछ कहेंगे? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरन सम नहीं अदमाई। यानी दूसरे को हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पहले तो मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासी होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है, अगर ईश्वर ने मुझे उसके योग्य बनाया है, मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं शिवर के विकास के लिए मैं इस क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र बनाऊंगा कि विश्व की वैश्विक मान पटल पे, भारत नहीं विश्व के मानचित्र पे शिवर को लोग देखने आएंगे, जगत देखने को आएगा सन्यासी का राज कि यहाँ पे कैसा क्षेत्र है। रही बात आपने पूछा कि जनप्रतिनिधि किसी ने, तो आप उनसे ये प्रश्न कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने उनको चुना है, आप लोगों ने उनको विधानसभा तक या लोकसभा तक पहुँचाया है, तो ये प्रश्न आपसे कीजिए। अभी तो चुनाव बहुत लंबा है, मैं तो सिर्फ जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ और विकास कार्य करने के लिए मैं आया हूँ। और आपने सबको देखा है, एक बार योगी अखिलेश्वर दास के देख दीजिए और मैं सन्यासी हूँ और मेरा कर्तव्य भिक्षा मांगना, बस आप भिक्षा में मुझे वोट दीजिए और आपका जन समर्थन दीजिए। मैं अब शिवर लोकसभा के समस्त क्षेत्रवासियों जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र बनाऊंगा कि लोग बोलेंगे और कहेंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो खासकर जो खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, उनके लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया, ये जितना हारना चुनाव है तो चलते रहेगा। मेरा लक्ष्य सिर्फ चुनाव ही नहीं है, यहाँ पे मेरा लक्ष्य ये नहीं कि मैं चुनाव जीतूँ या जितना यह चुनाव लड़ना है, लड़ना तो है ये कन्फर्म है, लेकिन उसके माध्यम से राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म का कभी राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म पे राजनीति नहीं चलती, राजनीति करते उसका कोई धर्म होना चाहिए। तो इसलिए एक जीव का अगर ईश्वर ने उसके लायक आपको बनाया है तो उसका पहला कर्तव्य है सभी का सेवा करना। उसके तहत आपने पूछा कि आप शिवर से अगर चुनाव जीतेंगे तो आप क्या करेंगे, मैं समस्त शिवर लोकसभा के समस्त क्षेत्रवासियों को, जनता जनार्दन, विशेषकर खिलाड़ियों को मैं यह आश्वासन देता हूँ कि शिवर क्षेत्र में, शिवर जिला के अंदर मैं ऐसा स्टेडियम बनाऊंगा जिसमें शिवर ही नहीं अपितु बिहार के भी खिलाड़ी वहाँ पर आकर खेलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आप पूरे शिवर क्षेत्रवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के? मैं समस्त शिवर लोकसभा क्षेत्रवासियों को एएचएन न्यूज़ की तरफ से मैं यह कहना चाहता हूँ, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बिंदर आईबी के बगल में ढाका में मेरा ऑफिस है, वहाँ आप संपर्क करें। आप सभी को जितना होगा, मेरा टीम, मेरे कार्यकर्ता योगी अखिलेश्वर दास, मैं खुद आप सभी की सेवा करने के लिए ही आया हूँ और मैं सेवा करूँगा। पहले तो योगी अखिलेश्वर दास बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय से पहले अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और जो मेरा जुलाई में 15-16 जुलाई को छत्तीसगढ़ में नेशनल चैंपियनशिप होने वाला है कराटे का, उससे पहले लगभग 10-15 दिन पहले हमको मिल चुकी है किट, जिसके प्रैक्टिस के लेकर हम घर से बाहर भी जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि नेशनल कराटे चैंपियनशिप में मैं मेडल जीतूं और फिर से एक बार राष्ट्रीय स्तर पर मेरा नाम हो और जिला का, बिहार का नाम हो। जिस तरह से आप दर्द ठोकर खा रहे थे, लेकिन ऐसे समय में आपको शिवहर लोकसभा के भावी प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर दास जी ने आपको सहयोग किया, क्या अखिलेश्वर दास बाबा जी को क्या कहना है? इनका तो ऊपर में ही लगा हुआ है टाइटल जो है सेवा परमो धर्म है, इनका सेवा करना ही धर्म है। और आप देख सकते हैं कि समय से पहले और जीतने से पहले, यहाँ तो जीतने के बाद भी आश्वासन दिया जा रहा था एक साल से हमको, हम ऑफिस जा रहे थे आ रहे थे, कितना तक तो बोला गया कि अभी कोई फंड नहीं आया हुआ है, अधिकारी के पास भी गए तो बोला जा फंड नहीं, तब कि हम खेलो इंडिया नेशनल खेल चुके हैं जो नेशनल के ऊपर होता है,
फिर भी हमको किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला, फैमिली से खेलना पड़ा। जिस तरह से आप सोशल मीडिया के माध्यम से ये बार बार ये लोगों से अपील कर रहे थे, जो जनप्रतिनिधि है उनसे आप ये गुहार लगा रहे थे मुझे सहयोग किया जाए, लेकिन बीच में ये खबरें आई अफवाह फैली कि आप काफ़ी अमीर घराने से आते हैं, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बात है कि अफवाह तो उड़ती ही है, जब आप आगे बढ़िएगा तो कुछ ना कुछ अफवाह तो उड़ेगी ही। और इस बात को अगर सत्यापन करना है तो अगर आप लोग का इजाज़त है तो कैमरा के सामने भी कर सकते हैं या ऑफ द कैमरा भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी फैमिली का स्थिति है जो फैमिली तक रहना ही सही है। अगर पूरा गांव समाज कोई पर्सनल बात जानता है तो समझिए उसे एक तरह से सही नहीं है। आने वाले समय में भी आप पुनः एक बार ढाका का नाम रोशन करने वाले हैं? हम अपने तरफ से तो पूरा सुबह शाम रात को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरा अपना, जब खेलने जाएंगे तो 100% देंगे और कोशिश करेंगे इस बार भी नेशनल में मेडल लाएं हम।